दोस्तों, अगर आप 2019 में एक नया DSLR लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है राहुल टेक में। दोस्तों, अगर आप 2019 में सोच रहे हैं कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहते हैं और एक अच्छा कैमरा लेना चाहते हैं बजट रेंज में स्टार्टिंग के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा DSLR लें, क्या 200D लें, 700D लें, कौन सा बेस्ट रहेगा एक मिड रेंज में जैसे 30 से 40,000 के बीच में, तो दोस्तों अभी भी 2019 में भी 200D सबसे बेस्ट कैमरा है एक बजट रेंज में यूट्यूब वीडियो के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये कैमरा है ये 28 जून 2017 को लॉन्च हुआ था इंडिया में और तब इसकी वैल्यू थी किट लेंस के साथ, सिंगल लेंस के साथ 18-55 के साथ 47,000 के आसपास इसकी वैल्यू थी। बट अब इसकी जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो गया है, 35,000 से 40,000 के बीच में ये मिल जाता है आपको। तो दोस्तों, ये बेस्ट कैमरा क्यों है इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स यही कैमरा यूज़ करते हैं 2018 में और 19 में भी यही यूज़ करेंगे, और क्योंकि ये बहुत छोटा कैमरा है, कॉम्पैक्ट है और इससे व्लॉगिंग भी आराम से हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कैमरा है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। अगर आप टेक्निकल चैनल खोल रहे हैं या नॉर्मल फनी चैनल कोई खोल रहे हैं तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है। दोस्तों, जितने ज़्यादा पैसे खर्च करोगे उतना अच्छा कैमरा, बट ये मिड रेंज के लिए अच्छा कैमरा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। देखिए, इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ऊपर की तरफ लिखा है कैनन और लिखा है EOS 200D और 2 साल की वारंटी, और ये हमारा कैमरा बना हुआ है। चलिए दोस्तों, इसको करते हैं स्टार्टिंग। और आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, 24.2, और इसके अंदर ड्यूल ऑटो फोकस है। इस तरफ दोस्तों इसके बारे में दिखाया गया है कि ब्लैक कलर में है ये अंदर, और इसकी सारी स्पेसिफिकेशन दी गई है। यहाँ पे दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बताया गया है, जो बॉक्स पे प्राइस लिखा है वो प्राइस अलग होता है। अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो ये बहुत सस्ते में मिल जाता है आपको, 35,000 से 40,000 के बीच में आराम से मिल जाता है। 24.2 मेगापिक्सल कैमरे के साथ ये आता है। दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, इस पर लिखा है Rebel SL2। इंडिया के बाहर जहाँ पे भी ये जाता है मेरे ख्याल से वहाँ पे इसको Rebel SL2 बोलते हैं। दोस्तों, ये है वारंटी कार्ड नहीं है दोस्तों, वर्कशॉप का है। अगर आप चाहें तो इनकी वर्कशॉप ले सकते हैं। दोस्तों, ये है वारंटी कार्ड, टू ईयर की वारंटी हमें मिलती है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या मिलता है। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, ये है हमारा चार्जर, हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए, कैमनन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों, ये है चार्जिंग केबल, जिसके जरिए आप अपने चार्जर से कनेक्ट करके अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें मिलता है इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड जो कि है 16GB का, जो हमें फ्री मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें एक कैरी केस और बैग फ्री मिलता है, तो जिसमें आप अपने DSLR और लेंस को इजीली कैरी कर सकते हैं जहां पर भी कहीं जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें भी देखने को मिलती है एक बैटरी। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस कैमरे के अंदर वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिलता है, जिसके जरिए हम इजीली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस कैमरे के साथ आपको 2 साल की वारंटी फ्री मिलती है। दोस्तों, ये है एक स्ट्रैप जिससे आप अपने कैमरे को अटैच कर सकते हैं। दोस्तों, ये है लेंस जो है 1855mm का लेंस। दोस्तों, इस कैमरे में 7 ऑटो फोकस पॉइंट हैं। जो खास बात इसकी ये है कि ये ड्यूल ऑटो फोकस के साथ आता है, जब भी आप कोई फोकस करेंगे तो ये कैमरा आवाज़ नहीं करेगा। आपने देखा होगा कोई कैमरा यूज़ करते हैं तो कर आवाज़ आती है, बट इसमें बहुत कम ही आवाज़ आएगी। दोस्तों, ये है 1855mm का किट लेंस जो इसके साथ फ्री मिलता है, ऑटो कर सकते हैं और स्टेबलाइजर के बारे में दिया गया है यहाँ पे। ये ऐसे खुल जाता है, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं हमें क्या मिलता है। दोस्तों, ये लेंस हमने कैप हटा दी। उसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें 1080p का सपोर्ट मिलता है 60 FPS के हिसाब से। दोस्तों, जो इसमें प्रोसेसर है वो है Digimec Image 7 का प्रोसेसर, जो काफ़ी अच्छी बात है, जो बड़े बड़े कैमरों में भी यही आता है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर था उस टाइम पे। पर 2019 में तो अब देखते हैं आगे कौन सा कैमरा आता है इस मिड रेंज में जो बेस्ट कैमरा हो सकता है, जो 200D को पीछे छोड़े। अभी तक तो ये बेस्ट कैमरा है दोस्तों, इसको कोई पीछे छोड़ नहीं पाया है अब तक इस रेंज में। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है इसकी बॉडी
बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही स्मॉल बॉडी है दोस्तों। जो इसकी LCD स्क्रीन है वो टिल्टेबल है, आप उसको इजीली इधर से उधर घुमा सकते हैं, जिसके जरिए आप व्लॉगिंग करना बहुत आसान हो जाता है। सामने की तरफ कैनन लिखा है, आप देख सकते हैं। यह है इसकी स्क्रीन जो ऐसे टिल्ट हो जाती है, जहाँ पे आप चाहें उधर को से घुमा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है इस कैमरे की। और इसको हम बाद में ऐसे ही बंद कर देते हैं दोस्तों। ये हैं सारे इसके बटन, ऑन ऑफ बटन, ये सारे मोड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं HDMI का पोर्ट है, और यहाँ से आप, यहाँ पे आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों ओवरऑल बात करें कैमरे की, कैमरा एकदम बेस्ट है। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या ट्यूटोरियल बनाते हैं छोटे छोटे, या टेक वीडियो बनाते हैं, कुछ भी आप छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मोबाइल से करें या कैनन के कैमरे से, किसी कैमरे से करें, तो कैनन का 200D कैमरा बेस्ट है इस बजट रेंज में। आप आंखें बंद करके ले सकते हैं, बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है कैमरे से रिलेटेड, प्लीज़ नीचे पूछ सकते हैं। मैंने इस पे पहले भी 2-3 वीडियो बना चुके हैं कैमरे पे, वो जाके देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।